कई लोग के नाम आवा था, लेकिन जितना मजबूत प्रत्याशी आई लड़े में उतने मजा आई। काहे कि जी जी आशीर्वाद बहुत मिला था और सब लोग, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार की सर वही दूसरी तरफ देखे तो जो है 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीत ली, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी, और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज्यादा था, और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। काम पे उठ हुई कि जाति पे उठ हुई? काम पे उठ हुई, काहे कि आजमगढ़ खातिर, जाति पर बहुत हो गल, अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर वोट हुई और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाए और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाए। दिनेश जी किस आधार पे कह रहे हैं कि बसपा से टक्कर है, सपा से नहीं है? अगर सामाजिक आप यहाँ क्या जो समीकरण है वो देखें तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सही है।